नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बॉली हॉली डाइजेस्ट चैनल पे सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्द ही टॉम क्रूज की आने वाली मूवी मिशन इम्पॉसिबल देखने जाएंगे, जिसकी टिकटें हमने ऑलरेडी ले रखी थी, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल डेड रकनिंग पार्ट वन। अगर हमने इस फिल्म को देखना है तो हम इसको आईमैक्स थिएटर में ही देखें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि एक तो आईमैक्स थिएटर का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, और ऊपर से अगर ये आईमैक्स कैमरे में शूट की गई है फिल्में तो इसकी क्लैरिटी और भी लाजवाब होती है, और साउंड सिस्टम तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ बहुत ही बेहतरीन होगा। और दूसरा प्लस पॉइंट, अभी हम जैसे अमेरिका में न्यू जर्सी में हैं, हम और भी मूवी थिएटर में जाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर मूवी थिएटर को डिग्रेड भी नहीं यहाँ करूँगा, पर सिटिंग इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है हमसे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने टॉम क्रूज की जो लास्ट ईयर मूवी आई थी टॉप गन वो देखी थी। उसमें जो उसने फाइटर प्लेन्स के जो भी उसके स्टंट थे वो माइंड ब्लोइंग थे, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस मूवी में वो क्या कमाल दिखाने वाला, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मूवी देखने के बाद मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसी लगी मुझे। तो जैसा कि मिशन इम्पॉसिबल, जो कि ये मेरे हिसाब से 7th सीरीज़ है, और ये सभी बॉक्स ऑफिस पे ये कमाल करती आई हैं, और सबसे खासियत टॉम क्रूज की मूवीज़ में ये होती है कि वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं, और वो भी बड़े एक्चुअल होते हैं। जैसे इसमें मैं एक छोटे से स्टंट आपसे जिक्र कर रहा हूँ, आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। The Fiat, that was wild. Some would even say the car is possessed. I don't think we could have made a sequel. कोई इस पर सस्पेंस फिल्म का या कोई स्टोरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और मैं वो स्टंट की बात कर रहा हूं, वो 360 डिग्री में यूरोप में कहीं वो कार स्पिन कर रहे हैं, ड्रिफ्ट जैसे कर रहे हैं, तो वो सारे सीन एकदम ही एक्चुअल हैं। तो बाकी जो भी मूवी से जुड़ी दिलचस्प खबरें होंगी हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बॉली हॉली डाइजेस्ट चैनल पर। नमस्कार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।